हसरत करतार। सबसे उत्तम नाम जो सतनाम करतार, कृपा करके बख्शिए सद राखूं उधार। जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भक्त बैराग, गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों का अनुराग। प्यारे जी टुट पेंदी राम नाम जी, प्यारे जी टुट पेंदी राम नाम जी, सर्वर जावे उच्च सब तरणं दहिना
सुमर लूटना है तो लूट ले,
तो मानस जन्म दे वास्ते आप सर्व संगत शहर निवासी धूरी धूरा जिस प्यार विच आप कल भी नामदई आनंद क्योंकि है ही मानस जन्म मिलिया नाम वास्ते है जिस दे नाल कल्याणकारी जीवन मोक्ष वास्ते मुक्त वास्ते सतगुरुदेव जी ने सानू रहमत की है। होर जूनी विच परमेश्वर ने कृपा करे पर इंसानियत दे दर्जे नाल मानस जन्म दे दर्जे नाल मोक्ष की प्राप्ति होंदी है आवागमन तो छुटकारा होंदा है बहुत दफा क्योंकि धर्म की गल गुरुआं दी महापुरशां दी वेदां कतेबा प्राण सुरति सिमरति जो कुछ भी पुकारा करते हैं हजूर ने फरमाया चार पुकारे ना तू मान है चार वेद कह दईए सनातन धर्म साडा मुढ़ है जो वह भी तेनों बार बार उपदेश देंदे हैं चारे कतेबा सलामत विच मशहूर हैं कुरान शरीफ अंजील तौरे जंबूर वह भी तेन बंदगी करने वास्ते प्रेरणा देंदे हैं उपदेश देंदे हैं तो छे शास्त्रां दी अग्गे आ गई छे कर छे गुर छे उपदेश जो बाणी प्यार नाल पढ़दे हां क्योंकि हर एक नूं संत खालसा दल दी स्टेज तो सांझा प्रचार सांझे जीवन दे नाल आचार व्यवहार और नाम दा व्यापार इत्थे द्वेष दी कोई गल नहीं बहुत जिन्हां सज्जना वास्ते कोई थां रख्या हो पर फिर उस दे नाल संत महाराज की धरती है जिन्होंने सब नूं प्यार किया गुरु सागर मस्तुआना साहब खट पी एक बात बखाना चारे वेदा नाल वेद कतेब कहो मत झूठे झूठा सो जो ना विचार है जिना विचार नहीं करता वह झूठा है खट छे शास्त्रा ने भी तेनों एक ही गल आखी है खट पी एक बात बखाना दस अस्ती मिट एको कहया दस ते अठ अठारह अठारह प्राणा ने भी तेनों यही उपदेश यही प्रेरणा दिती है एक टीचर पढ़ाउंदा है एक गुरु उपदेश देवे दो देन चार चार दी चौंकड़ी चल गई छिया दी आई अठारह दी आई उपनिषदा तक सताई सिमरतियां हन बवंजा उपनिषदा दे हिस्से होर बन चुके हैं 103 तक चलिया गया एक दफा एक चंगे विद्वान पंडित साढ़े लाल सिंह सुनती तो पंडित का दर्जा से पंडित करतार सिंह दाखावान लाल सिंह जी पंडित तारा सिंह उन्होंने मिलाप हुए हुए ने बहुत 52 उपनिषदा का मैं विचार कहते महाराज हूँ 101 हो गया आपने 100 साल स्थापना दिवस के दर्शन किए 103 उपनिषदा के दर्शन कराए आपने भागा वाले ने किए तो सारे गुरु लोग सब गुरु पीर हमारे कोई दूजे का नहीं तीसरे का नहीं चौथे का नहीं डोलां वट्टा पा लेंदे हैं मगर गल जिहड़ी है उपदेश की उपदेश सुन तो सात संतन का साधु लोग गुरु लोग महापुरश और गुरबाणी सानू वही सारी सारिया मतां बुद्धां इकट्ठियां करके वही उपदेश गुरु महाराज जी फरमाउंदे ने कबीर मानस जन्म दुर्लभ है होए ना बारंबार ज्यों बन फल पाके होए गिरे बहुर न लागे उटार उपदेश अलाह लैने नाम दा जिस नाल जीवन दा कल्याण होवे मुक्ति मिल जाए गर्भ चक्कर चो छुटकारा हो जाए बहुत दफा आपने श्रवण कीता है अमर कथा दा आनंद जो संत महाराज ने अज मैं रेरू साहब रामपुर तो संगत होर भी इत्थे बैठी है जिहड़े उत्थे लाह लेके आए उत्थे भी महापुरशां दा जीवन दा नाम दा बहुत कुछ वरत्या उपरंत मैं सिहौड़ा साहब हुंदा होया इत्थे आ दर्शन कीते ने नगर सिहौड़ा साहब दी आप कथा संत महाराज दी श्रवण करदे उत्ते नाल इह नहीं कि
ठीक है, वो बोल के बिगाड़ पा लिया, पर पछतावा पले पिया, फिर पछतावना। कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताहोगे। जेड़ा ये रस्ते ते ये उपदेश नहीं सुन सकूगा, ओदे जुम्मे पछतावा या आवागमन है। मेरे वही गल, क्योंकि कटाणा साहब दे कोल दी जदों आया मैं पहला रेलू साहब नूं, अज कटाणी वही बलैत वाले सज्जन की गल मेरे अज भी नगर सिवड़ा साहब याद आई। और फिर भी कहन महाराज दे दीवान तो बाद लाह लो आप भी संगता, तो उसने जो टाइम मंगया सी महाराज तो पंचायत तो कि संत मस्तुआने वाले ने आम सहज बोल ने कित्थे वाले संत ने जी कित्थे वाले ने, मैनू भी 5 मिनट टाइम संत महापुरखा तो दवा दो। बी ए उस वेले दियां पढ़ाइयां, इंग्लैंड विच रहना अंग्रेज दा राज सी, उंजे ही बहुत विद्वान लोग ने उधर, चलो महाराज तो टाइम पंचायत ने बेनती करके दीवान तो बाद तुरदे तुरदे स्टेज तो समय कहे बजे सन, बरोटियां हेठे दीवान लगने, बोड़ा हेठ भागां वाले सी, वह भी समय सतयुग साधु का बरतौना, सतयुग ही सी साधु सतयुग बीतिया। ऐसा आनंद महाराज ने कहा लियाओ भाई, क्योंकि जेडे पढ़े लिखे विद्वान हो जाण जे लाह खटण तो बहुत ज्यादा डबल तिगना चौगना भी लाह ले सकते ने। चार अखर पढ़ के अखर पढ़ पढ़ भुली है पेखी बहुत अभिमान, साढ़े पेखधारियों भी अभिमान हो जाता है, हम पंडित हैं, हम सन्यासी हैं, हम विद्वान, ऐसे नहीं। निम्रता और नाम का आनंद है जेड़ा वो और वस्तु है। महाराज महापुरुषों तक पता नहीं की शब्द बोले, कह लगे आखिर भी तुसी 2 घंटे अमृत वरताया जो कुछ है उदे भी सतनाम वाहिगुरु का जाप बहुत जपाया है, सुना भी दिता तुसी, सुना के जपाउणा कीता है, इहदा की फल है, इहदा मतलब की है, असी महात्म भी पुछांगे सानू पुन फल की मिलू। ये तो वो सज्जन पुछणगे जिन्हां ने लाहा खटना है। असी बोल के बिगाड़ पाउण वाले बहुत हाँ, तर्कवादी बहुत हाँ, जिन्हां दे हिरदे ते एक भी अखर नहीं वसदा वह भी तर्कां मार लैंदे ने। मैनू कहण ये तो इत्थे बीए एमए डिप्लोमे बड़े कीते ने, पढ़िया लिखिया बहुता है जास्ती नहीं, ता भी की हो गया, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है 9वें श्लोक आसा जी दी वार, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खास, पढ़ी है जिते वर्ष वर्ष, पढ़ी है जिते सास, नानक लेख है एक गल उत्थे झगड़ा खादा इको ही गल है, गुराइक देह बिजाई सबना जिया का एक दाता सो मैं, गल तो नानक लेख है एक गल, गल इको ही है, बाकी कीर्तन वाली गलां तो लैना। प्यारे जी बिलख बिच इको गल, प्यारे
नानक लेख है एक गल लिखी भी गई समझण वास्ते भी है तेरे लेखे विच होर की वालियां गल्लां करनियां ने। भगत कबीर जी ने एक कोई आपदे गुरुदेव तो एक अखर हर मन वस्त एक कोई गल सुनी सी। अमृत वेले जदों इशनान करन वास्ते स्वामी जी जांदे हन स्वामी रामानंद जी तां रस्ते विच पए ने भगत कबीर ठेडा लग्या रोड़ियां च भी अड़क जाईदे ठेडा लगन तो सोचा है कोई इंसान कोई बंदा कोई मानुष जन धारनी है मैं तो ठेडा तो लग्या और परमात्मा देव दे मार्ग ते चलन वाले साईं लोग विवेकी लोग बुद्धवान पुरश गुरु लोग ब्रह्म तत्वे ते आखिर उन्होंने हिरदे च रब वसदा है प्रगट किया होया है रब दीआं गल्लां रब दे नाले सारी जीवन की चर्चा चल रही है। क्यों मैं इस ते ठेडा मारिया पर आवाज आई ओ राम प्यारे राम कहो बस मैं तो इन्नी वस्तु चाहता सी मैनू टाइम बहुत घट मिलया जब मैं जाता सी दरवाजे लगदा हुंदे सन क्यों वो समय ऐसा शिव शाद का समा सी उत्तम मध्यम नीच कनिष्ठ चार प्रकार के पुरशां विचों ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश है शूद्र है मैंने शूद्र शूद्र करके नीच जात करके है पर कबीर जी कहते हैं जात जुलाहा क्या करे हिरदे बस है गोपाल वलिहारी इस जात को जय जप्यो सृजनहार उस जाति तो मुराद कबीर जी कहते हैं पोछी मत मेरी जात जुलाहा हर को नाम ले मैं लाहा ता भी की होगा जे मेरी होछी जात है गरीब जात है शूद्रा करके ठोकरा पैंदियां सन पर मैं शुक्र गुजारदा मेरे गुरुदेव तुसी अज मेरे ते खुश हो अज मेरे भाग भी सुते जाग पे हन जो मैनु एक गल मिल गई है राम प्यारे राम को नानक लेख है एक गल की तै बालियां गल्लां तो लैणा लेखे विच इक गल है कीते वालियां गल्लां तो लेना लेखे इको गल कीते वालियां गल्लां तो लेना लेखे इको गल
नानक लेख है एक गल हिसाब किताब भी होना कल सुनिया उते तो तेथों एक कोई गल पूछी जानी है भी ते नाम किन्ना जपया है क्या तै खटिया कहाँ गवाया चलो शताब दीवान बुलाया हर फुरमान दरगाह का आया नवेड़े ते जदों गल आनी है चंगाइयां बुराइयां बचै धर्म दूर करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर तो गल इको एक नाम भी है जे तेरे लेखे विच आनी है संत महाराज ने बेनती की थी ये सतनाम वाहेगुरु दा जाप सब तो बड़ी वस्तु तो अमोल यही है यही तेरा स्वरूप है यही ब्रह्म है जो नाम है यही रब है निर्गुण स्वरूप पर इत्थे निश्चय करना शब्द आनंद स्वरूप विच अरूढ़ होना स्वर होना एक गल दी तुसी सतनाम वाहिगुरु दो घंटे बड़ा जपाया है बहुत जपाया है इहदा की मतलब है की लाह है की मिलूगा संत महाराज कहन लगे प्रेमिया भाई इस दे नाम जपण दे फल इहदा फायदा पुछदा है तू लाभ पुछदा है की लाभ है 84 लाख गेड़े विच गर्भ चक्रां विच पिया होया जीव जेड़ा एक नाम शब्द दी कणी किसे गुरु महापुरश तो प्राप्त कर लैंदा है हाँ इहदे जपण नाल 84 दा गेड़ा कट्टिया जांदा है सौखी नहीं गल ऐ कट्टिया जांदा वो तर्कवादी सी अधिकारी नहीं सी बस तू अंदर बस्त समावे दूजी होवे पास जो दूजी जड़ी पहली चीज साढ़े अंदर पई है द्वैष पई है ईरखा दी मल वखे अवरण दोष कहे ने वेदांत विच मल जन्मा जन्मा दे कीते हुए पाप पए ने बखे मन दियां चंचलताइयां पईयां ने किसे नूं वेदना नहीं किसे ना वेदा आप अहंकारी धर्म राय तिश करे खुआरी माता नू माता नहीं गिणना पिता नू पिता नहीं विद्या दाते नू विद्या दाता नहीं मिलना मोक्ष दाता नाम दा दाता ब्रह्म ज्ञान दा दाता जीवन दा दाता ये गल्लां तां हिरदे च आ नहीं रहीआं जिथे चंचलता ही है ए मन चंचला चितराई किने ना पाया तो दूसरा दोष वेदांत दे अंदर मन दियां चंचलताइयां किसे नूं गिणना ही ना आप ए चतराइयां दिखाई जानियां उत्थे टिकदा भी कुछ नहीं तिलकणबाजी च की मन टिकदा है इत्थे देखी तिलकणबाजी उत्थे पैर नहीं जिवें टिकदा उत्थे मन नहीं टिकदा बिखे वरण अपने आप नूं भुलिया होया है ये ने वस्तुआं महापुरशां तो प्राप्त करन वालियां जिहड़ियां लाह खटण वास्ते आए हाँ ये वस्तु है अवरण कोई पता नहीं तू किस वास्ते कितों आया कह गया कहना सी कैसी तेनू पता है तू कितों आया मरण तो बाद चल दुनिया भी जाती आती है राणा रौना को रह रंग न तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई ना बंदे तीर सदा नहीं किसे ने रहना जगते वारी आई तुर जावना पर इस तो बात है वो मुकाम कोई थां टिकाणा इतों तू ग्राए आप पहला कहते होंगे जी ग्रां गए हो या किसी होर जानी रिश्तेदार सज्जन संबंधियों विच विजते चलो अजकल कहते हैं जी चलो यात्रा दे रूप में सही ग्रह को ही जाया ये इन्ना तो पता है भी तू अज फलाने रिश्तेदार दे चलिया है
ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਊਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧੀ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ? ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾ? ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾ, ਮੋਇਆ ਨਾ, ਮੋਇਆ ਨਾ, ਆਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਨਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਹਿ ਸੀ? ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ? ਤੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਪਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਆਹ ਘਰ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਐਤਵਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਨੌ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਈਟ, ਇਹ ਚਾਨਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਘਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਸੋ ਮਿਲਣ ਉਲਾਂਬੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੀਣਿਆ, ਸੋ ਸੋ ਮਿਲਣ ਉਲਾਂਬੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੀਣਿਆ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਨਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਹਿ ਸੀ? ਚਾਰ ਸਵਾਲ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਨਧਿਕਾਰੀ ਸੀ,
दुनियावी तौर पर डिग्रियां हासिल कीतियां सी बी ए दियां, पर एक दी अखर संत महाराज का हिरदे च बसाया तो है नहीं, तर्कां कर रहा बे लोग मैनू कहने विलायत पढ़िया होया। आम लोग बहुत, कल भी मैं बोलिया क्या परसों की गल सी बी साधुआ आम कहने जी चलो ये तो मड़ासे मारे ने, साधुआ की अकल होंगी है नहीं, दूर है। सास सुनारा जब मिले तब बने एक विचक्षण, सहस विचक्षण वीर कर्ण ठग शाह और नार की, इतनी बुद्धि जब मिले तब हुए भगत करतार की। भगतान जिथे इतना उच्चा जीवन है जिन्हों का उन्होंने वास्ते उस सज्जन ने कटाणी वाले सी विलायत वाले हाला उस घर के दोत मान सन, उन्होंने पिता की शादी होने तो मिलते गिलते सी। की फायदा है संत महाराज कहते प्रेमिया, प्रेमी शब्द महाराज का बहुत आंदा वचन, प्रेमी शब्द कहना नहीं तो कह गए लो जी सानू दर्जा ही नहीं दिता कोई होर, प्रेमी तो एक प्रेम का रस जेड़ा है सच्चा धर्म है, और सच्चा प्रेम सच्चा धर्म ऐ परमात्मा पुरशा ऐसे शब्द प्रेमी दे बनते ने। प्रेमा पौ भगती वाला हो, सब तो प्रेमा भगती सिदक तो बाद भी प्रेमा भगती मुख रखी है नौ भगतियां च। प्रेमा भगती का चाहवान प्रेमिया ये नाम जपन नाल 84 का गेड़ा कटिया जाता है। हुण अजामल ने कोई अखर पढ़िया, पढ़िया बहुत सी जिवें साडे स्वामी जी खट शास्त्री हन पंडित बिहारी लाल जी शास्त्री, ऐसे राजपुत्र दा अजामल पुत्र सी और राज दरबार विच पिता तो अगे पिछे समा भी मिलना बुजुर्ग हो गए सी, राज दरबार विच कथा करदा सी, पर पिता जी ने वर्जित कीता सी बच्चा कथा करके अपने स्वरूप नूं भुली ना, और नेत्रां दीआं पलकां कदम कदम ते तुरदा जाई इधर उधर, वरना तैनू सजा कोई मिलूगी तू गिर जाएगा पर संभल के चल। जैसे हर राय साहब जी ने हर गोविंद साहब जी ने चोला साहब की कली लगी एक फुल ते गुलाब देते, वो फुल टुट गया, दर्द आया, जल बगया, हजूर कह लगे क्योंकि पोतरे लगते सी बाबा गुरदित्ता जी दे सपुत्र सी श्री हर राय साहब, ऐ बच्चा सतमा नानक बनना, संभल के चलिया कर अगे वास्ते, बस रब दा संभाल के चली। सारी जिंदगी जदों चोला पहन लेना दरबार जाना इधर उधर है, एक चोले की कली साहब नूं हथ पा के ही रखना उन्होंने कि गुरु का बचन है। देखी किते अपने गुरु के बचन की उलंघना ना कर जाई, मेरे गुरु पिता मैनू ये उपदेश करते ने सारी जिंदगी, यही है नानक लेख है एक गल होर, हो मैं हो हंगता मैं ममता, चखना चाक पानी च मदानी है ये चो मक्खन नहीं निकलना। अगर मक्खन है, भगत कबीर जी ने कहा कि संतो मक्खन खाया छाछ पिया संसार, कमाल की गल सी, रोल रोल के मक्खन खाता है, साधुआ ने मक्खन रोले है, छाछ खट्टी लस्सी दुनिया पी रही है, कोई निंदा कर दी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किते खड़ा है, कोई किते खड़ा है। कबीर माया डोलनी पवन चकोलन हार, ताइयों क्या ऐ सपुत्र अजामल पुत्र ता सी सपुत्र बढ़ा दिता, ब्रह्म ज्ञानियां वालियां अवस्था च ले जाना चाहते सी, विद्वान बना दिता राज पंडित राज गुरु राज सभा दे अंदर, मिठी कथा कर देने पर कथा करके देख ऐसी कथा नु भी तफीक है। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म में शुद्ध है,
राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे। आज जो गुरबाणी की पंक्ति एक ही बढ़िया सुरती स्वरूप, इस सुरती विच की आया, इस बाणी की पंक्ति विच की आया, जीवन का कल्याण आ गया, मोक्ष मिल गई, ज्ञान मिल गया, आवागमन तो छुटकारा हो गया। तो वीर माया डोलनी ऐ डोलांदी है, पौन किवें चलती है, हिल चुल कितना, बड़े बड़ी कनातां नूं भी हिलाया, डेकोरेशन है सब नूं ऐ हिलाउंदी जा रही है, नेरी उदों जादे है, वगदी तां पवन ही, पवन चकोलन चकोले दे रही है, झोले दे रहे चकोले दे देने, शब्द शुद्ध ताई विच भगत कबीर जी ने जो उचारे है, ये ज्ञानवान पुरश अर्थ विचार जो समझे पता है, चकोले दे देने, हलूने दे देने, संतो माखन खाया, ऐ बच्चा आंदे जांदे भी सुरती पल के इधर उधर, मिथ्या नेतर पर त्रै रूपा, बच के चली जितना चारे पल्या नू, संभाल के चलेगा उतना तेरा भला ही भला होगा। पर एक दिन मन विच आई, पिता रोज कह देंदे ने बच्चा शहर बाजार विच ने जाई, एकांत एक पासे दी लंघ जावे। साध संगत अज महापुरश ऐसे किते मिलदा होगा, मिलिया जरूर, मैं कमाई वाले महापुरश ते ऐस पंक्ति ते बोलना उदाहरण रूप। मुनि राधा राम जी लबाणा अल्प दिगंबर सन, उन्होंने चाहे भोए नू जा रहे ने, कुरुक्षेत्र नू जा रहे ने, हरिद्वार नू जा रहे ने, एडे बलवान तपस्वी होके पिंड च किसे नहीं बढ़ना, शहर विच पावे पटियाला मूहरे आ गया, अंबाला आ गया, जगाधरी आ गई, नहीं बढ़ना। कई प्रेमी सी उन्हां दे बारे मैं पता है कुछ, बाकियां दा पता नहीं, अथाह ने उन्हां दे सेवक भी कहना साडे नाल चली, या वो फलाने नूं कह देण कि सानूं पटियाले तो एक पासे दी बाहर दी लै जायो, एडे महापुरख होण, एडी कमाई, एडे तपस्वी होण, आप जी नूं भी पता है, भावें महलां विच रहिंदे सी बाबा साहिब दास जी महाराज अल्प दिगंबर, फिर भी जदों गुरु महाराज जी आदे परमेश्वर स्वरूपां दे दर्शन करन जाणे तां शहर संगरूर तो पासा बट के लंघ जांदे सन। दुनिया दे लोग भी चरणां ते तां तां के डिगदे ने, वो अपना आप बचा के जांदे ने, अपने आप नूं ठीक है चारे पले उजले रखने ने। अज बहुत समा मुश्किलां वाला है, अज इतनी कमाई तो मैं अज कई दफा स्टेजां ते उत्थे भी बोलिया, आम उत्थे भी स्टेज नहीं, रेरू साहब की गल कर रहा रामपुर, कोई अज है महापुरख जिहड़ा निचोड़ कह दे मैं टिब्बे ते बैठा, आ मेरा गड़बा पिया कोल, आ मेरा खूंडा पिया कोल, आ माला है, और मैं नितनेम तो बाद पंजे बाणियां तो बाद, ये पंज बाणियां नाल गल नहीं मुकी, ये रहरास पढ़ के गल नहीं मुकी, वे जल्दी जल्दी काजी छड़ दे नवाज फरेब वाली, ये नहीं गल मुकी, जिथे शब्द एक शब्द ते दास बोल रहे है वो मंजिल और है, ये श्रेयता दी गल है। तो मैं पंज बाणियां पढ़ लिया, पंज नवाजा पढ़ लिया, मैं जाया आ गुरुद्वारे जाया मत्था टेक, जांदा पिछों पहला तेरे ख्याल मुड़े हुंदे ने गुरुद्वारे नहीं, ऐसे महापुरख च कि एकांत घंटा लंघ गया, दो की पहर पहर, दो दो पहर, फिर नाल दी नाले जागरण दा समय, इशनान दा समा हो गया, फिर उही अरूढ़ अवस्था। कोई अज है जिहड़ा इन्हां शरीयतां तो उत्ते त्रिकत है, कर्म कांडा तो उच्चे, भगती भाव विच उस तो वध तपस्या विच मगन होवे, नितनेमी भी होवे, ब्रह्म ज्ञान क्यों ना हो जावे, नितनेम अपना फिर भी ना छड्डो,
हो जा विदिशा, नित नित कर्म ना छेड़ो, उसना भक्ति अमर रहेगी, उसना धर्म दा जेड़ा असलियत पैर है, कदम है, पावड़ा है, कहिए वो कैम रहेगा, समर्थ रहेगा। तुसी ज्ञानमान होके जे नित नेम छड़ गए, इशनान छड़ गए, नित कर्म छड़ गए, उपासना कांड छड़ गए, तो फिर ये लोग कैसे करेंगे? ये तो उदो पहला, ये तो पहले ही छड़ी बैठे सी घर बार दे विच, घर रहिंदे ही इन्हां दा सब कुछ तां छड़िया होया सी। तां ते आचार्य लोग नूं, गुरु लोग नूं, पूर्ण पुरखां नूं भी अज समां नहीं मिलदा, उन्हां ते आसर कादा होवेगा? कोई है अज टिब्बियां ते रहण वाला, नदियां ते, किनारियां ते, उत्थे रहो। ऐ इको एक संत महाराज के जीवन की उपमा जी सुनते हो, आ सारा इलाका ही संत महाराज की कमाई नाल जिउंदा जागदा है। होर नूं मैं तां आखां, जे कोई उहा जिहा कमाई वाला होवे भी तां कह दी या ओ सी जी, या ओ सी, या ओ सी, नहीं। एडी कमाई एक शब्द दे रंग विच आओ चारे पले उजले रखने, नर अचेत पाप ते डर रे, चेतन का ओदा मैं गड़बड़ दूं, उहनूं ऐ मार दूं, ओदा हिस्सा आ जाऊ, ओदा हक आ जाऊ, ए तां तू कही जाने, पर जेड़ा बिना ही चिंतन करन तो अचेत तो अचेत है, आड़ा लग गया, उल्ट है। बहुत जीव तेरे जांदिया जांदिया मन लिया भी पैरां हेठ ते आ जांदे ने, लेखा उहनां दा भी देना पऊगा तैनूं, तू उन्हां तों भी बच। नर अचेत पाप ते डर वे, डर मन पापी डर वे, ये धारना महाराज दी। मेरे नगर एक फौजी शरीर जमादार होंदे, उन्होंने मैनू भी कहना तेरे मामा जी कीर्तन किवें करदे, कितना उच्चा कितना उच्चा। उन्होंने यही पढ़ना, नर डर मन पापी डर वे, पापा तो डर, उते साज बजदे नहीं सी हलंदे। ये धारना यही जी है, ऐ मना देख बच के चल। नर अचेत पाप ते डर रे, आन काए रातड़िया, वाट दुहेली, राम पाप कमाम दिया, तेरा कोई ना बेली, राम पाप कमाम दिया, पाप कमाम दिया। क्यों कोई होर तेरा बेली बन के ये लेखे दे दऊ, जेने पाप तय किते हुए ने उन्होंने जुम्मे ने। तेरा ता कोई भी नहीं बन ना वे, बनदा बेली एथे बच के चलो, बच के चलो। कलयुग बड़ा तेज है, छुटकारा ता
ਬਈ ਬਾਲਕੇ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਾਲ ਲੈ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਂਗੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਕਿਤੇ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਲਯੁਗ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਬੜਾ ਹੈ ਪਰਥਰੀ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਮਰ ਫਲ ਤੋਂ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਧੂਆਂ ਚੋਣ ਤੂੰ ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਓ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਸੀ ਜੇ ਜਾਵੇਗਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਸਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਰਾਜ ਸੀ ਠਾਠ ਵਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੋ ਭੋਜਨ ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕੇ ਸੁਖੀ ਖਾ ਕੇ ਕੰਦ ਮੂਲ ਆਹਾਰ ਆਦਿ ਦੋ ਮਧੂਕਰੀਆਂ ਮੰਗੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਕਬੀਰ ਭਲੀ ਮਧੂਕਰੀ ਨਾ ਨਾ ਵਿਦ ਕੋ ਨਾਸ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਮਾਲ ਹੈ ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਇਆ 36 ਪਦਾਰਥ ਮੈਨੂੰ 36 ਕੌਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਵਰਚੀ ਲੋਕ ਲਾਂਗਰੀ ਲੋਕ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਖਟਰਸ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਕੋ ਕੈਸਾ ਡਰ ਹੋਏ ਰੂਖ ਬਿਰਖ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਹਰ ਸੋਏ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰਾਂ ਜ਼ੀਰਾਂ ਬਸਰ ਕਰ ਬਿਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਸ਼ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੂਗੀ ਬਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆ ਰੱਦ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਰਾਣੀ ਚੱਕਰ ਪਾਊ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਦਿੱਕ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਏ ਕੁਰਲਾਪ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਰਾਣੀ ਨੇ ਝੂਟਾ ਦੇ ਦੇਣਾ
सियाने कहते ने सूली ते भी नींद आ जाती है। जो नींद आऊगी राणी तू भावे बाणा बिचे पे रोड़ा ते पे पत्थर ते पे ये आनंद तेन सुंदर सेजा वाला उथे भी प्राप्त हो जाऊंगा। पूता माता की आशीष ए जेड़ा रस है नाम दा रस है पी लो सखी सखिए सखी सहेली नंद गहेली सुन सह की एक बात सहेली कोई संगी साथी भी है अपने प्यारियां नूं कहना प्रह हिरदा बना लेना ना महाराज पी। अच्छा दूसरा है शकना भोजन की गल साधन भोजन की आस न करी अचिंत मिले सो पाए। तू ये ना कही मैं आ बस्त्र चाहिए आ चाहिए यह जहा पहनना है फिर दुनिया का ते तेरा तक कोई फर्क ना हो जो मिल जा करो पर रबद तेरे लेख लिखा होगा वह वस्तु तेन प्राप्त होगी वो शंकर रहने मनसर रहने वो टिक जाई भी मेरे भागा च यही कुछ लिखा ने फकीरां को गोदड़ी हुंदी कदे ता रेशम मखमल पहनन कदे गले गोदड़ी लीरां दी बाबा मौज फकीरां दी उहदे च राजी रहिंदे ने सगों याद आई जांदा है भी मैं अब फकीरां वाला बाणा पाया है मैं तो भी कुछ लाहा ले लां। तो भोजन तो आराम दी गल के
ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਣਾ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਰੋੜਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨੀਂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾਂ ਦਾ ਰਸ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਭੋਜਨ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਦੇਈਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੱਸ ਜਰਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਧਨ ਕਮਾ, ਜੇ ਸ਼ਗਨ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਰਸੀਆਂ ਹੈ, ਰਸੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਈ ਪੁਰਸ਼, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਰਸ ਭੋਗ, ਇਹਨੇ ਜਦ ਰਸਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਰਸ ਹੋ ਜੂ, ਰੱਜ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਜੇ ਅਜੇ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਜੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਰੱਜੇਗਾ ਫਿਰ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਬਰ ਸਬਰ ਸਬੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ। ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਠੀ ਪੈਰੀ ਸੋਲੀ ਪੈਰੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈ, 36 ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਆਊਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਖੁਦਿਆ ਬੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਕਬੋਲ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਤਿਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵੀ ਸਿਵੜੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਤਿਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੜਾਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੜਾਕਾ ਸਿਉਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫਕੀਰੀ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਚਾਹ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਾਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਬਣਿਆ, ਗਲਤ। ਹੁਣ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕਾਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, 8 ਕਿਲ੍ਹੇ ਰਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, 9 ਯੁੱਧ ਰਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, 42 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, 41 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ 22 ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਧਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਤਨੀ ਕੀਤੀ, 72 ਮਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਧਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਹਾ 52 ਮਣ, 52 ਮਣ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, 52 ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਕਵੀ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ, ਹੌਸਲਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਜਾਣਾ ਸਦਾ ਉੱਥੇ, ਐਂ ਸਮਝੋ ਹੋਲੀਆਂ ਹੀ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰੱਖਣੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਵ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖ ਵੀ ਇਨਾਮ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ, ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਧਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਲਮ ਦੇ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦ ਧਨੀ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਉਹੀ ਕਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਜੌਹਰੀ ਕਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਜੌਹਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘੋਗੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਣਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾ ਲਊਗਾ, ਜੌਹਰੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈ ਵਸਤੂ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੀ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਗ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ, 2 ਗੁਰਚੇਲਾ, 3 ਕੁਟੰਬਾ ਚਾਰੀ, 4 ਚੌਕੜੀ, 5 ਮਸ਼ਕਰੇ, ਬਹੁਤੇ ਕਰਨ ਖੁਆਰੀ, ਬਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਹੈ,
इतको ही बड़ा है। होवे बबरशे, उपमा की भी कर रहे हैं, साधु बहुत होए ने, बहुत होए ने। किले विच रहना, साधु की संगत करो, संगत दे अधीन रहना, किले विच रहना महापुरुषां दे आज्ञा विच। वही राम कार है, लक्ष्मण जी वाली सीता वास्ते कार है। जेकर सीता लीक ना टपदी, क्यों रावण ले जांदा? रास्ते छोड़ कुरस्ते तुरदा, सोई तके खांदा। ताते तीसरा वचन है बच्चा, बच के नर अचेत पापते, डर मन पापी डर वे, डर मन पापी डर तू पापा तो डर, डर मन पापी डर वे पापा तो डर। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਮਾਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਹੋਊ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਦਾਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟੋਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਸੁਰ ਛੱਡ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਿਊਨ ਕਿਹੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਨਕਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਵਜਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਸਥਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਥਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਦੋ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੇ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਐਵੇਂ ਟੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਆਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਦੇਵੇ ਕੀ ਗੱਲ। ਡਰ ਮਨ ਪਾਪੀ ਡਰ ਵੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰ, ਨਰ ਅਚੇਤ ਆਨ ਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ, ਬਾਟ ਦਹੇਲੀ ਰਾਮ ਪਾਪ ਕਮਾਮਦਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਪਛੋਤਾਵੇ, ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨ ਜਪਹਿ ਰਸਨਾ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਹ ਦਿਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਬਾਚੋਏ ਡਰ ਜਾ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਖੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ।
फिर कदों से देह आवे वो दिन याद कर दे रहा। एक दिन मैना बंती पटरानी माता गोपी चांदी जैन है पक्ख ते बैठा है अपनी मौज बिच आ गई किसे नूं दसे कहे तो भी नहीं माप दे पुत्र दी राज पार दी कचहरी लगी हुई राज दरबार लग्या देखा तो सही उन्हें कोर्स कराए जाते ने तख्त बैठना के मेक आई बड़ा वक्त जहा पै गया मैं माता जी जी आया किवें आखा कह लगी कोई नहीं बच्चा तू बैठा रह तख्त मैं तो देखने आई हाँ मैनू चौ चढ़िया है मेरा पुत्र राज भाग का मालक हुकूमत करने वाला सिंघासन ते सजया है बैठा है पर लख होवे बादशाही चाहे मां मां ही है उठन लग्या गोपी चंद कहिंदी बच्चा मैं तेरा मस्तक देख लिया तेरा भाग देख लिया तेरा जलाल जेड़ा सी अज तक कुछ भी नहीं है तेरा जेड़ा तेज प्रताप सी दुनिया दे भी चेहरे देखदे आ संत महाराज दे स्वरूप दी क्यों सत्कार इज्जत मान हिरदे च असी थां बनाई हुई है वो प्रताप किवें बनया किसे समय कह दिता सी एक बड़ी राज घराने वांगू बड़े सरदारां विचों सी लड़की उसनों लुधियाने दे कोले रम स्टेट बनाया आखिर उस वेले उस परिवार चो एक बीबी संत महाराज दे सचखंड जाण वेले जवद्दी वाले सरदारां चो शरीर ने छड़ दी उदड़े ही संत बिलास दी बीबी मेरे वल देख के तेरा मन खिड़ गया साडे वल की तकना है मेरी माता जी बैठे ने अजे जगत माता दे नाम दा एक जकारा गिदा इत्थे ऐ डोलन च ना आओ डोलन च नहीं आना वाह 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 बड़े शांति चाओ प्यार भी चाओ उस बचन की कदर भी करो उथे बिरती टका लो सारे ले जो साडे चेहरे वल देख के तेरा मन डगमग डगमग डोलन लग गया कबीर डगमग क्या कर है काहे डोलावे जियो जा तू साडे जग माता जी दे जाके भोली दे मां दे दर्शन कर ले उस चेहरे दे नूर ओ रेखा ओ स्वरूप देख के तेनु शांति आ जाऊंगी किड्डा प्रताप है साडे माता जी दा जिन्हें मैनु जीवन दिता ये गल्लां कुछ मैं दीवान भी है कुछ ब्रह्म ज्ञान भी है कुछ सिक्ख्या भी है जे कोई लड़ बन लवे जे किसी ने प्रताप बनाउणा इत्थे तां नदी दे किनारे रुखड़े वाली गल होई वी है हुण की मुड़ मुड़ के जन्म लै लईए दिल तां बड़ा करदा तप करिए होर तप करिए होर तपस्या करिए पर जो भागां च लिखिया हुंदा उही कुछ मिलदा हुंदा लोच जरूर चाहीदी है शुभ इच्छा है शुभ भावना है
ऐसे ख्याल बनाने एदा पुन फल बैठिया नूं मिली जाऊगा। जे कोई चिंतन भी करी जावे हे वाहिगुरु जिवें भी ओ दिन मेरे ते भी कदे दिन आ जाणगे, जे तुसी ऐसा चिंतन भी करोगे याद भी कल्ले बैठे करोगे कदे मैं भी तपस्या करूं। संत महाराज घर बार छड के साधु बने, किवें तप कर रहे सी बैठे, कितने कितने महीने सालां बंदी बैठे रहे, किसी वस्तु बल तकिया नहीं है, ऐ ठोकरां 14 तपकां नूं मार के बैठे रहे ने। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਲਿਖ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਉਂ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮਿਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ, ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੜਾ ਪੂਰਵ ਲੰਕਰ ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਐਸੇ ਉਹਨੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਪਿਛਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਖੱਬੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇਤਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਿਰਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਿਰਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐ ਨਿਗਾਹ ਚ ਪਈ ਆ ਵੀ ਆਹ ਪਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਔਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਰਿੰਗ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਵੀ ਤਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਲਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤਰਾਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇੜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਿਰਕਾਲ ਦਰਸੀ ਐਸਾ ਮਾਤਾ ਮਹਿਣਾ ਬੰਤੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਨੁਸ਼ ਤਨ ਤੈ ਧਾਰਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, 14 ਦਫਾ ਤੂੰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ। ਔਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੰਤਰੀ, ਮਹਾਮੰਤਰੀ, ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਜ ਪੰਡਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਅਗਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਪ ਕਰੋ, ਤਪ ਕਰੋ, ਜੱਗ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜੱਗ ਆਦਿ ਕਾਸ਼ਵ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੱਗਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਏ ਬਹੁਤ ਕਥਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਐਡੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੜਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਦਾਨ ਗਜਦਾਨ ਸੇਜਾ ਨਾਰੀ ਭੂਮਦਾਨ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜੱਗ 101 ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਰਾਗ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਨਿਗਰ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਗਿਆ, ਖੰਡਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਖੰਡ ਦੀ ਤੋਂ ਖੰਡਨ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜੇ 101 ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਥਾਪਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਦਹਿ ਗੁਣਾ
सौ गुणा तेरा प्रताप, अज तू दस एक फिक्र है कि मैनू अज भोजन मिलू या नहीं मिलना, एक दसा सैकड़िया जिन मन चित एक अराध्या तिनकी बरकत खाहे असंख करोड़े। अज संत महाराज का नाम लैके जिथे मर्जी भोजन ले लो, तुम मस्तुआना साहब गुरुसागर कह दो जिथे मर्जी छकते फ्री जाओ, उन्हां दी बरकत है। करोड़ा बैठे जिन्हों का प्रताप छकन वह फिर बीज दे रहे, करोड़ नू करोड़ नजर फिर कर लो, अरबा खरबा नीला नीला तो उत्ते चली जानी है गल। एडा प्रताप बई सौ दफा चक्करवर्ती जे राजा सी, तेरे पास विभूति सी, वस्तु सी, तेथों सियाने सतपुरशा ने जग दान करा के तेरा प्रताप बधाउंदे रहे। चौदह दफा ऐ बच्चा मैं तेरे सिर ते इंदुरपुरी दा शतर चुभदा देख लिया है। शतर शतर सिंघासन पृथ्वी गुरु अर्जन को देवायो, गज के बोलो पंजमा नानक बना दिता, साज दिता, थाप दिता होवे, एडा प्रतापी बना दिता। अमरू निथामे नू तीजा नानक गुरु अमरदास तू निथामिया दा किड्डा प्रताप, बारह साल दी तपस्या ने करा दित प्रताप। चौदह दफा मैं तेरे सिर ते इंदुरपुरी दा शतर झुलदा देख लिया, चौदह दफा चक्करवर्ती राजा बनदा देख लिया, जगदान करो क्या इकोत्तर सौ अश्वमेध जगदान जेड़ा करदा है उहदा तेज प्रताप बनिया रहिंदा है, होर वधदा जांदा है। पर हुण तो जप करनो तप करनो जगदान करनो रुक चुके हैं, हुण तां छोटी जी रियासत दा मालक है, किते चक्करवर्ती किते इंदरपुरी दा राज, हुण तां छोटी जी रियासत है कि तेरी उज़ैन कह दित्ता। बड़ियां रियासतां हुण एक रियास दा मालक है, मैनू दुख है मां तख तो उतर खड़िया चरना बन डिवे, मैनू इन्हां राज दरबारियां महामंत्रियां दा कोई डर पै नहीं, तुसी मेरे गुरु माता हो, मैनू उपदेश मिले है, हुण मां मैं की करा। ऐ बच्चा हुण तू ऐ कर, राज भाग छड के साधु बन जा, फकर बन जा, फकीर बन जा, किसी गुरु दा बन के जप कर तप कर, तप तापन ते तप तेज बदे, तेरा तपस्या करके तेज प्रताप बदूगा। वाह वाह। ओ दिन कदों आउणगे जदों नाम जपेगा, नाम जपेगा ओ दिन।
कदों से देह आवे तरवर विछुने ना पात जुड़ते एक दफो तरवर विरश दे नालों पत्ते टूट जाते ने फल भी टूट जाए फिर बहर ना ला के डर उन्होंने चाक के फेर के मैं दूधा थनी ना भी जिमें बाबा फरीद जी का पढ़िया सी शब्द केरा दुधा चो ऐ दुध कट लिया थना चो कह दो चलो दुधा थनी ना आई फिर हो ना मेला उन्होंने दुध न दोबारे चाड़ दोगे थना ची फिर मुड़ मुड़ के जीवन नहीं है जल्दी मिलना है नाम जपो फिर कोई होर समा भी आवेगा वो प्रेमी की कथा मेरे नगर महाराज का मेरा भी कल है 9 तरीक है क्या है नाम दे विच की प्रताप है नाम जपना दूसरी कथा जा मल दी चल रही सी बच्चा संभल के चली नर अचेत पाप ते डर रहे आखिर इंसान नु सिख्या देनी ऐ बच्चा जे तू राज दरबार विचों अपने घर तक आवेगा बच के आई आ शहर बाजार विची ना आई एकांत लंघ के आया करी बिरक्तां दे रूप विच आया करी जे तैं बचना है चारे पल्ले उजले रखने सन तो नाम जपो दो प्रमाणा दे विच और आप के कदों नाम जपना है किवें परथरी नूं सिख्या कैसी मिली है ये सब जीवन का निचोड़ है यही जी लुट आ तैनूं मानुष जन्म विच मिल रही है संत केरदास बजुर्गों नूं तुसी बहुत संगत सारी तकरीबन जानदी है कदे कदे बचन करने कहिंदा जिहड़ा यही जी लुट पई च लुटे ना वह भी उधरली बोली बोलनी कहिंदे वह निकड़म ही हुंदा ये बांगर की भाषा पटियाले दे कोल दा बचन है कहिंदे तां निकड़म ही है आपां आम निकम्मा कह दिंदे आ बेअर्थ है तां इहदा कम चंगा नहीं सुकम्मा नहीं उन्हें कहना वह भी निकड़म ही बंदा हुंदा जिहड़ा लुट विच लुट ना लुटे लुट लै मना लुट राम नाम दी ऐसी तन है धन है गुरु नानक साहेब तन बाबा तन है
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ। धन है पंथ खालसा धन है धन है धन है धन है गुरु साध संगत साहब धन है ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਸਤ